तो वेलकम बैक दोस्तों, फिर से एक नया टेक न्यूज में आपका स्वागत है। एंड आज की जो टेक न्यूज है वो भी क्वाइट इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहली न्यूज की बात कर लूं तो वो एप्पल की तरफ से निकल के आ रही है। पिछले न्यूज में एप्पल के रिगार्डिंग एक गुड न्यूज आपसे शेयर किया था, एंड आज फिर से दूसरी गुड अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं। तो पिछले एक टेक न्यूज में मैंने आपसे शेयर भी किया था कि जो आईफोन 15 सीरीज है उसके प्रोसेसर में अपग्रेडेशन होने वाला है। एंड अब ऐसी न्यूज आ रही है कि जो आईफोन 15 अल्ट्रा है उसके कैमरा में भी अपग्रेडेशन देखने को मिल सकता है। एंड रूमर्स आ रही है कि इसका जो मेन कैमरा उसमें न्यू सेंसर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सोनी का न्यू IMX903 सेंसर को यूज किया जाएगा एज ए प्राइमरी कैमरा के तौर पर। एंड अगर मैं सेंसर साइज की बात कर लूं तो 1.14 इंच की सेंसर साइज होने वाली है, जो कि कंपेयर किया जाए सोनी का 1 इंच सेंसर से तो उसको भी यह टक्कर देने वाला है। एंड साथ में आईफोन 15 अल्ट्रा के अंदर न्यू पेरिस्कोप लेंस को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसका जो ऑप्टिकल जूम होगा वो लगभग 6x तक देखने को मिलने वाला है। एंड सोनी का जो 1 इंच सेंसर है उसके बिल्कुल सिमिलर तो नहीं बोल सकते हो, लेकिन एज गुड एज 1 इंच सेंसर आप इसे जरूर बोल सकते हो। साथ में अभी जो फिलहाल आईफोन 14 प्रो मैक्स है उसके अंदर सोनी का IMX803 सेंसर देखने को मिलता है। तो आईफोन 15 अल्ट्रा का जो मेन कैमरा होगा उसमें बड़ी सेंसर देखने को मिलेगी, तो नेचुरली सी बात है कि अगर बड़ी सेंसर होगी तो एक तो जो इमेज क्वालिटी है वो और भी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, साथ में वो भी हायर रेजोल्यूशन में। तो फिलहाल इस न्यूज को एज आप अभी रूमर्स के तौर पर ही लेना, एंड सब कुछ अर्ली स्टेज में है। तो इससे आप पता लगा लो कि आईफोन 15 अल्ट्रा में काफी कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला है, एंड प्रोसेसर के साथ साथ कैमरा में भी चेंजेस होते हुए दिख सकते हैं। तो ये थी आज की सेकेंड गुड न्यूज। एंड पिछले न्यूज में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टाटा ग्रुप विस्टर्न कॉर्पोरेशन के साथ एक तो डील भी साइन कर रही है, एंड बहुत जल्दी टाटा ग्रुप जैसे ही डील को फाइनल करता है तो आईफोन 15 को टाटा ग्रुप इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है। तो आगे इस पर जो भी फर्दर अपडेट जैसे ही बार आएगी फिर बात करेंगे इसके ऊपर भी। अगली न्यूज की बात कर लूं तो वो गूगल की तरफ से निकल के आ रही है। गूगल का जो IO इवेंट है वो नेक्स्ट मंथ 10 मई को होने वाला है, एंड ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें लीक्स आ रही है कि पिक्सल फोल्ड साथ में पिक्सल 7a को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो पिक्सल फोल्ड का एक वीडियो बाहर आया है जिसमें क्लियरली आप देख सकते हो कि एक तो जो इसकी इनर डिस्प्ले है वो बड़ी इसमें आपको देखने को मिल रही है, एंड साथ में साइड के जो एजेज है उसको भी आप देख सकते हो, बिल्कुल सिमिलरली है ओप्पो फाइंड N की तरह। एंड इसके आप बेजल्स देखते हो तो वो थोड़े से ठीक आपको दिख रहे होंगे, एंड साथ में कोई भी क्रीज आपको स्पॉट नहीं हो रहा है जैसा कि ऑलरेडी आप सैमसंग का गैलेक्सी G फोल्ड 4 में देख चुके हो। तो इसका जो डिस्प्ले है वो भी क्वाइट सिमिलर होने वाला है ओप्पो फाइंड N की तरह, एंड प्राइस को लेकर पहले ही लीक्स बाहर आ चुकी है कि इसे US मार्केट में तकरीबन $1799 में लॉन्च किया जा सकता है, यानी अराउंड 1 लाख से भी ऊपर इसका प्राइस होता है। तो फिलहाल ज्यादा कुछ वीडियो में दिख तो नहीं रहा है, एंड बहुत जल्दी यह लॉन्च होने वाला है तो कंपनी आगे इसकी वीडियो भी ऑफिशियली रिलीज कर सकती है। एंड जहां तक बात रही पिक्सल 7a की तो US मार्केट में लॉन्च होने के बाद इसे इंडिया में भी लॉन्च किया जा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं लीक्स एंड रूमर्स की। ओप्पो रेनो 10 सीरीज को लेकर भी कुछ रूमर्स बाहर आ गए हैं, एंड इसमें रूमर्स आ रहे हैं कि 4 फोन्स लॉन्च होते हुए दिखेंगे, साथ में 3C सर्टिफिकेशन पर इसे स्पॉट किया गया है, जिससे पता चल रहा है कि इसमें 100 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आने वाला है। एंड इसके अलावा IQ नियो 8 को भी 3C सर्टिफिकेशन पर स्पॉट किया गया है, इसमें भी 120 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो जो IQ नियो 7 लॉन्च हुआ था उसमें भी 120 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया था, एंड आप देखना कि इस साल के एंड तक जितने भी 25,000 से ऊपर के स्मार्टफोन होंगे उन सभी के अंदर 100 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आने वाला है। एंड मई से जून का जो मंथ है वो भी फुल ऑफ स्मार्टफोन से भरा हुआ है, तो आप कौन से स्मार्टफोन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड बहुत जल्दी अपकमिंग स्मार्टफोन्स इन मई 2023 इसके ऊपर भी एक मैं वीडियो लाने वाला हूं, तो उसके लिए भी आप जरूर से वेट करना। अगली न्यूज में बात कर लूं तो वो पोको की तरफ से निकल के आ रही है। रेगुलर वे में पोको A5 के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ मैं ऑफिशियल अपडेट आपको देता रहता हूं, एंड अब वॉलकॉम का जो स्नैपड्रैगन इंडिया का ट्विटर हैंडल है उसने कंफर्म कर दिया है कि जो पोको A5 इंडिया में लॉन्च होने वाला है उसमें स्नैपड्रैगन 7+ Intel चिपसेट पर इसे लॉन्च किया जा सकता है। तो ऑफिशियली अब कंफर्म हो चुका है। रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट की बात कर लूं तो इसमें 2 वेरिएंट लॉन्च होने वाले हैं, 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज, साथ में 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज को लॉन्च किया जा सकता है। तो अभी ज्यादा कुछ अपडेट बाहर नहीं आया है, एंड अभी इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट भी आना बाकी है, बट डोंट वरी मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट मंथ पोको F5 इंडिया में लॉन्च होते हुए नजर आएगा। तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में गेस करके बताओ कि पोको F5 की प्राइस इंडिया में क्या हो सकती है।
अगली लिस्ट का बात कर लूँ तो वो GTA गेमिंग सीरीज को लेकर है। आप लोग जानते हो कि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो एक पॉपुलर गेमिंग सीरीज है एंड ऑलमोस्ट सभी लोग इस गेम को खेलते भी हो। एंड पिछले कुछ सालों से GTA 6 को लेकर काफी सारे स्पेकुलेशन बाहर आ रहे थे, तो GTA 6 नेक्स्ट मंथ मई 17 को लॉन्च किया जा सकता है। एंड देखा जाए तो GTA 5 को लॉन्च हुए 10 साल हो चुके हैं एंड अब जाके GTA 6 आने वाला है। तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितने लोग GTA 6 के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो एंड कितने लोग GTA 5 को खेलते हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि GTA का एक मोबाइल वर्जन भी है जो कि ऑलरेडी प्ले स्टोर पर मौजूद है एंड इसे तकरीबन 1 मिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड भी किया है। एंड इंडिया में अगर आप इसे खेलना चाहते हो तो आपको 182 रुपीज के आसपास देने होंगे। वैसे मोबाइल वर्जन गेम कैसा है ये तो मुझे पता नहीं, आप लोग खेलते होंगे जरूर नीचे कमेंट में बताना। तो फाइनली दोस्तों आज का हमारा टेक न्यूज यहीं पर समाप्त होता है एंड आज की कौन सी टेक न्यूज आपको सबसे ज्यादा पसंद आया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, साथ में अच्छा लगे तो एक लाइक करना मत भूलना। एंड जो लोग भी नए हैं जो हमारे चैनल को रेगुलर विजिट करें तो किस बात की देर है, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। एंड आप देख रहे हो कि रेगुलर मेहनत कर रहा हूं, रेगुलरली टेक अपडेट्स देता हूं तो इस चैनल का रीच बहुत कम है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक कर दिया करो ताकि और भी ज्यादा ऑडियंस के पास या वीडियो पहुंच पाए। साथ में अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करो, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट नीचे अपना फीडबैक जरूर देना कि टेक न्यूज आपको कैसी लग रही है। एंड जिन लोगों ने पिछले दिन का टेक न्यूज नहीं देखा मैं ऊपर कार्ड सेक्शन में दे दे रहा हूँ, आप उसे जरूर जाके वॉच कर सकते हो। साथ में आप लोग मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, उन सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। तो टेक वीडियोस देखते रहो, साथ में इस चैनल को भी सपोर्ट करना मत भूलना। तो इस टेक न्यूज में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेक न्यूज में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।